लोगों का चीखना चिल्लाना रोना पीटना, भाई हमारे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई, मजा आ गया। वो कैसे महाराज? वो ऐसे कि सरपंच पे लगाएंगे इल्जाम कि वो व्यवस्था को ठीक से संभाल नहीं पाया, और वो स्नेहा माथुर उस पे लगाएंगे लांछन कि जब गांव में उसकी जरूरत पड़ी तो वो खिसक गई। वाह वाह। किस बात के लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ? तुम्हारे घर वालों ने देख लिया अब तो? मेरे घर वाले तो तुम्हारे घर गए हैं दहेज लौटाने। तुम्हारा रेडियो स्टेशन पर जो इंटरव्यू आया था तो बिरादरी में काफी बेइज्जती हो गई, तो अब दहेज लौटा रहे हैं। अच्छी बात है। तुम क्यों नहीं गए? मैं अब सीधा बैंड बाजा बारात लेकर आऊंगा तुम्हारे घर तुम्हें लेने। उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो बुआ जी कहती है ना, लंबी सगाई जल्दी शादी से बेहतर होती है लंबी सगाई। मैं चलूं? अच्छा एक बात और, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे लिए एक चीज बना रहा हूँ, और उस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया है पन्ना की तमन्ना। मैं चलती हूँ। रोड तक मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? डॉक्टर स्नेहा, कैसा लग रहा है आपको मुंबई इतने दिनों बाद वापस लौटकर? पतला पतला सा लग रहा है, मगर यादें ओस की बूंद की तरह उतनी ही ताजी। शहर तेजी से बढ़ रहा है पर यादें वहीं रुक गई। Thank you.
अर्जुन, मैंने सोच लिया है शादी के बारे में। अब वेरी गुड। और क्या सोचा है आपने शादी के बारे में? कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, कम अगेन? मैंने सुना नहीं, एक बार जरा फिर से बताएंगे? हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब तो मैं दो बार शादी करूंगा, एक तुमसे और एक तुम्हारे प्रतापपुर से। तुम पूरे गांव को मेरी सौतन बनाओगे? मैंने भी तय कर लिया है कि शादी के बाद मुझे किस तरह की जिंदगी जीनी है। अच्छा, और क्या तय कर लिया है तुमने? मुंबई का मेरा कारोबार मैं आशिमा को सौंप दूंगा और खुद सिर्फ वही केसेस लड़ूंगा जिसमें मैं फरियादी को इंसाफ दिला सकूं। अब सिर्फ तुम, मैं और प्रतापपुर। छोटे से गांव में रहना अब इतना आसान नहीं है। इरादा अगर मजबूत हो ना स्नेहा, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं। हमारे देश का कानून हर सूरत में ताकतवर है, बस गरीबों तक उसका असर नहीं पहुंच रहा। अर्जुन, तुम कितने बड़े वकील हो, पैसे तो बहुत दूर की बात है, गरीबों की सेवा में शोहरत तक नहीं मिलेगी। मगर सुकून जरूर मिलेगा। जरा सोचो स्नेहा, अगर हमारा ये काम प्रतापपुर में चल गया तो हम इसे आसपास के गांव में कितना चला सकते हैं। वैसे भी तुम तो होगी ना मेरे साथ, मेरी प्रेरणा, मेरा आदर्श। मैं रहूंगी हमेशा तुम्हारे साथ। अगर हम साथ होंगे ना तो देखना, हम इस देश का चेहरा बदल सकते हैं। अरे हमारी बात तो सुन। नहीं माँ। अरे अरे बिट्टू, हमारी बात तो सुन, एक बार तो सुन। माँ, बिरादरी वाले अपनी जगह हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अरे दैया रे दैया। अरे बिटवा, हम सब जिंदगी देख कर बैठे हैं। अपनी अम्मा की बात मानो, तुम उस लड़की के साथ कभी सुखी नहीं रह पाओगे। सुखी नहीं रह पाऊंगा? हाँ, या फिर आप मुझे सुखी रहने नहीं देंगी? बाबा जी, बाबा जी प्रणाम। प्रणाम विनोदी बहन, कैसी हो? और समीर, तू कैसा है बेटा? पधारिए बाबा जी, आइए। हाँ दीदी। अच्छा सुनो पन्ना, मैं अपना फोन ऑफ कर रही हूँ, कुछ वक्त मुंबई में सुकून से बिताना चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कुछ जिम्मेदारी हमें भी उठाने दीजिए। ठीक है भाई, बाबाओं के यहाँ तो सब आते हैं, लेकिन बाबा सिर्फ अपने और अपनों के यहाँ आते हैं। कुछ जलपान लेंगे आप? अरे बेटा, हम तो लोगों की भलाई करने में ही तृप्त हो जाते हैं। बाबा जी, आपने तो हमारी लाज बचा ली, जो उस लड़की के बारे में समय से सब कुछ बता दिया। नहीं तो हमारे बिटवा का जिंदगी नरक हो जाता। तू चुप कर, दो बड़े लोग बात कर रहे हैं ना। कोई कष्ट है बेटा? नहीं नहीं बाबा जी,
बोला है? और वो भी झूठ। कष्ट है बाबा जी, बहुत ही कष्ट है। आपने तो इसको किसी तरह शादी से बचा लिया, लेकिन आजकल इसकी मति मारी गई है। उस लड़की को अपनी लुगाई बनाना चाहता है। क्या कर रहा है बेटा ये? अरे जिस लड़की ने तुम्हारे पूरे खानदान पर कीचड़ उछाली हो सरेआम रेडियो पर, अरे उस लड़की के बारे में तो सोचना भी पाप है बेटा। क्या कर क्या रहा है तू? और पन्ना की इज्जत पे जो कीचड़ उछाला गया है उसका क्या? जो भी हुआ है बाबा जी, पन्ना के साथ गलत हुआ है। अरे ये सब सांसारिक बातें हैं बेटा। बदनाम नारी समझो आजीवन लाचारी, और ये तथ्य भी है और सत्य भी है। चाहे उसमें उसका कोई दोष ना हो। देख बेटा, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की, तुम्हें तो मंत्रमुग्ध कर दिया उसने, लेकिन हम उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे, सजा देंगे उसको। कैसी सजा बाबा जी? अरे विनोदी बहन, इस गांव का तो क्या, किसी भी गांव का कोई भी आदमी उस लड़की से शादी नहीं करेगा, और हम पंचायत में ये बात रखेंगे कि उस लड़की का बहिष्कार किया जाए। किस बिना पर? बेटा तुम इन बातों में ना ही उलझो तो ज्यादा अच्छा है। अरे वो झूठी लड़की हमसे होड़ करेगी? जाने दो बच्चा है। बाबा जी एक तो अड़चन है, ये जो अपने सरपंच जी है ना, वो बड़े ही ढीले मिजाज के हैं। अरे जब देखो तब नारी सुरक्षा का माला जपते रहते हैं। हम तो कहते हैं ऐसे कमजोर आदमी को ना सरपंच होना ही नहीं चाहिए। सही कह रही है विनोदी बहन। हाँ एकदम सही कह रहे हैं। अरे डॉक्टर स्नेहा के सभा में ना एकदम भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए थे। वो तो हम थे कि जो इतना हंगामा खड़ा कर दिए। जानते हैं उस सभा को रोकने के लिए तुम्हारा एहसान है हम पे। बाबा जी इस गांव पे ना एक तो और एहसान कर दीजिए, सरपंच बन जाइए, चुनाव तो आ ही रहा है। भाई जैसी गांव वालों की मर्जी, हमारा क्या है, हम तो बाबा हैं। रमता जोगी बहता पानी, कभी न बोले झूठी वाणी। बाबा जी ये गांव की मर्जी ना उनका तो हम संभाल लेंगे, आप तो इस लौंडिया को दिखाने लगा हो बस। संभालेंगे, सबको संभालेंगे। इतने सारे टाइफाइड के केसेस एक साथ, लक्षण अच्छे नहीं है सरपंच जी। ऐसी बीमारी मैंने इतने बड़े पैमाने पर आज तक नहीं देखी है। डॉक्टर साहब इस मामले में मेरी राय एकदम स्पष्ट है, ये हमारे गांव की समस्या है तो इसे अपने स्तर पर ही निपटाना बेहतर होगा। सरपंच जी आपने बीमारों की तादाद देखी है, मानवता की दवाइयां, डॉक्टर्स, स्टाफ, इतने सारे मरीजों का इलाज करने के लिए काफी नहीं है। सब आपके कहने पर मैंने आसपास के अस्पताल, सरकार, कुछ निजी संस्थाओं से भी बात की, वो लोग हमारी सहायता करने को भी तैयार हैं। इससे कुछ तो राहत मिलेगी। सरपंच जी आप अगर महामारी का ऐलान कर दे तो सरकार की तरफ से भी हमें मदद मिल जाएगी। देखिए डॉक्टर साहब निजी स्तर पर सरकार के कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि औपचारिक ऐलान करने में
काफी कागजी कार्रवाई लगेगी। जिले के चिकित्सा अधिकारी यहाँ आएंगे, वो यहाँ के हालात का जायजा लेंगे, फिर जांच करेंगे, उसके बाद सहायता करेंगे। ऐसे में तो काफी वक्त लग सकता है। सरपंच जी, मैं तो आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, आदेश नहीं। कम इन, आओ बन्ना। कैसी चल रही है तुम्हारी ट्रेनिंग? ठीक चल रही है सर। पन्ना, स्नेहा से कुछ बात हुई तुम्हारी? नहीं, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तुम कोशिश करती रहो और जैसी उनसे बात हो मुझे बताओ। ओके। स्नेहा, ये आ गया आपका होटल। थैंक यू। अच्छा, कल बरसी पर मैंने अपने कुछ खास दोस्तों को घर पे बुलाया। वो तुम्हारे काम के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी तुमसे गहराई में जानना चाहते हैं। कल मैं ऑफिस से जल्दी निकलकर तुम्हें पिकअप कर लूंगा। ओके, ठीक है, कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय। जी सरपंच जी। डॉक्टर साहब, हमने पीएसी और आंगनवाड़ी में भी कैंप लगवा दिए हैं। आज शाम तक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी आने वाले गांव में। गुड। सरपंच जी, बस एक काम बाकी है जिसे आपको करना है। हाँ बताइए ना। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि इस बीमारी को वश में करना अस्पताल के बस में नहीं। डॉक्टर साहब, जो बीमारी फैली हुई है ना, उस बीमारी ने गाँव में हर परिवार पर कुछ न कुछ असर तो डाला है ना, इसलिए निराशावादी बातें तो होंगी ही, कौन रोक सकता उसे। दूसरी बात यह कि डॉक्टर साहब, आप और हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि अफवाहें कौन फैला रहा है। आधे से ज्यादा गांव को कर्जे में जकड़ रखा है, खुद सामने नहीं आता, सारे काम अपने चेलों के द्वारा करवा रहे हैं। आप दिगंबर की बात करें या बाबा पहलवान की? दोनों एक ही है, मिली भगत है दोनों। सपन जी, अगर आप उनसे दो शब्द कहें तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा मेरे बारे में लोगों से न जाने क्या क्या कहते फिरते हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, स्नेहा जी की बात हुई क्या किसी से? सरपंच जी, स्नेहा का नंबर ही नहीं लग रहा है। अगर जल्दी ही बात नहीं तो हमें किसी को मुंबई भेजना पड़ेगा। दिगंबर, लोगों का चीखना चिल्लाना, रोना पीटना, भाई हमारे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई, मजा आ गया। वो कैसे महाराज? वो ऐसे कि सरपंच पे लगाएंगे इल्जाम कि वो व्यवस्था को ठीक से संभाल नहीं पाया, और वो स्नेहा माथुर उस पे लगाएंगे लांछन कि जब गांव में उसकी जरूरत पड़ी तो वो खिसक गई। वाह वाह, अब चले लोगों से थोड़ी हमदर्दी कर लेते हैं। चलिए। अच्छा सुन। हाँ बाबा, नमक लाया क्या? नमक? वो किस लिए? जख्मों पे छिड़कने के लिए। अभी आपने देखा, गांव पर संकट छाया है। क्यों? जरा जरा सी लापरवाहियों की वजह से। हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खाएं, कुछ वर्जिश करें, अपना ध्यान रखें। बिल्कुल उसी तरह से गांव भी अपने आप में एक शरीर है, मगर वहां रहने वालों के लिए गांव उनकी दुनिया है। उसे बनाना या बिगाड़ना हमारे ही हाथ में है। डॉक्टर तो तब आएंगे जब इलाज की जरूरत आन पड़े,
लेकिन हम छोटी छोटी बुरी आदतों से परहेज रखें तो बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि सबसे बेहतर इलाज वो है जहां हमें इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी स्वच्छ आदतें हमें हमेशा पालनी चाहिए। जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएगा। स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।